गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज 12वां क्लास है, पार्ट 12। अब इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट पोर्शन का 10वां दिन है। रूल कितने हैं? 8वां रूल चल रहा है। इस रूल के अंतर्गत फ्रेश सब्जेक्ट अर्थात यूज ऑफ फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको फ्रेज समझना होगा कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज एक कॉमन फ्रेज की बात कर रहा हूं, एक ऑर्डिनरी फ्रेज की बात कर रहा हूं। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का वह समूह होता है जो खुद का अर्थ रखता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं देता है। अगर पूर्ण भाव दे देगा तो वह सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, तो फ्रेज पर भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर। ठीक ना, फ्रेज जैसे आप इन द गार्डन लिखते हो तो इन द गार्डन बाग में, यह शब्दों का समूह है, अर्थ हो रहा है बाग में, खुद का अर्थ तो रख रहा है लेकिन पूरा वाक्य नहीं हो रहा है, पूर्ण वाक्य नहीं हो रहा है। जैसे उसका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं पूर्ण भाव देने लगता है, इसलिए वह उस वाक्य का अंश कहलाता है, हिस्सा कहलाता है। ठीक, तो वहां पर तो एक ऑर्डिनरी फ्रेज की बात हो रही है, ये विशेष फ्रेज है जिसका निर्माण क्वेश्चन वर्ड से होता है। यहाँ पर जो फ्रेज जितने भी प्रयुक्त होंगे उनका निर्माण इस प्रकार से होगा। देखिए, फ्रेज इज इक्वल टू क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंफिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, यानी ऑब्जेक्ट यहां पर तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, और लास्ट में हमने क्या लगाया? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। अब चलिए इसका हिंदी रूपांतरण देखिए। अभी फ्रेज का क्या हुआ? वाक्यांश। फ्रेज का क्या मतलब हुआ? वाक्यांश। ठीक है, यहां जो है फ्रेज का मतलब वाक्यांश हो गया। चलिए भाई, ब्लैंक से लगाया, यहां भी लगा देता। ये वाक्य का अंश है न कि वाक्य। तो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैंने ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। अब जब हिंदी इसका फ्रेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पर आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होती है? कर। होगा तो लगाइए, नहीं होता है तो मत लगाइए। क्वेश्चन वर्ड उसके बाद यहाँ आएगा। क्वेश्चन वर्ड का हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक शब्द। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द, शब्द मैंने लिख दिया हूं। अब इंफिनिटिव क्या होता है? धातु प्लस ए, धातु प्लस ए। किस कोई भी इंफिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटिव हो या जनरल हो, उसकी पहचान क्या होती है? धातु प्लस नानेनी जनरली होती है, लेकिन यहां पर नानेनी नहीं आएगा, नानेनी की जगह ए आएगा। तो धातु प्लस ए, इस फ्रेज में जो इंफिनिटिव है उसकी पहचान होगी धातु प्लस ए। धातु क्या होता है? मूल तत्व होता है, क्रिया का मूल तत्व। जैसे करना, तो करना कर, कर धातु है, कर में ना लगा हुआ। पढ़ना तो पढ़ धातु है, पढ़ में ना लगा हुआ। तो अब यहां तो ना आएगा नहीं, तो कर से करे हो जाएगा, पढ़ से पढ़े हो जाएगा। गो का मतलब होता है जाना, यानी जा धन ना, इन्फिनिटिव है तो जा से जाए हो जाएगा, यानी ना को हटा करके आपको ए लगा देना है। तो जाना है तो ना के स्थान पर आप ए कर देंगे तो जा धन ए हो जाएगा, जाए। पढ़ धन ए हो जाएगा, यानी पढ़ना में ना हटा देंगे तो पढ़ धन ए हो जाएगा, पढ़े।
करना में ना हटाएंगे तो करधन ए हो जाएगा करें। सोना में सोना ना हटा करके क्या करेंगे ए कर देंगे, सो धन ए तो क्या हो जाएगा सोए। आप समझ गए होंगे, इजी है। अब चलिए जैसे, एज का मतलब जैसे, एज का मतलब क्या होता है जैसे। व्हाट टू डू। अब देखिए इन्फिनिटिव का निर्माण तो आप जानते हो, इन्फिनिटिव पर वीडियो बनी हुई है इसी पार्ट में, सब्जेक्ट पोर्शन में। तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख दिया व्हाट, उसके बाद इन्फिनिटिव के स्थान पर मैंने लिख दिया टू डू। अभी अभी मैंने बताया कि टू डू का मतलब करना, करना कर धातु मिला तो कर में ए कर दीजिए, ना की जगह ए कर दीजिए तो क्या मिला क्या करें। समझ रहे हैं, टू डू का मतलब करना, तो ना को हटाइए वहां पर ए लगा दीजिए। समझ रहे हैं, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो किसका ऑब्जेक्ट है, तो यह ऑब्जेक्ट हमेशा किसका होता है, यह ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी। देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, यहीं से पढ़ना शुरू करिए और टेल टू हेड जाइए, तो इसको पढ़िए ऑब्जेक्ट ऑफ, फिर हेड पर आ जाइए इन्फिनिटी, यानी यह ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी है। ओके, तो यहां पर इस वाक्य में देखिए इस इन्फिनिटी के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, तो हिंदी में भी एक कर्म नहीं लगा है और यह नहीं लगा, सीधे प्रश्न वाचक शब्द से फ्रेज स्टार्ट हो रहा क्या करें। अब यहां देखिए हाउ टू डू इट। अब यहां पर टू डू, इसी टू डू में मैंने क्या किया इट ऑब्जेक्ट के रूप में लगा दिया, तो हिंदी शुरू हुई क्या इस ऑब्जेक्ट से, इसे देख रहे हैं ना, इस ऑब्जेक्ट से शुरू हुई, तो यहां पर हमने क्या किया इसे, फिर कैसे करें, करना धातु है ठीक ना जी, तो करें। अब समझना क्वेश्चन वर्ड वेयर का प्रयोग किया और टू गो, तो टू गो की बात तो ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं लगेगा। अब यहां पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि जो इन्फिनिटिव का निर्माण ट्रांसिटिव वर्ब से हो रहा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब से हो रहा है, अगर ट्रांसिटिव वर्ब से हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट लग सकता है, नहीं जरूरत है तो नहीं लगेगी। यहां टू डू क्या है ट्रांसिटिव वर्ब, यहां पर जरूरत नहीं थी नहीं लगाया यहां लगा दिया, लेकिन टू गो के बाद तो ये ऑलवेज इंट्रांसिटिव होता है ठीक, यहां तो ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। तो क्रिया से जानकारी है, आप वर्ब का चैप्टर पढ़े विधिवत ठीक ना, वैसा क्लास आपको नहीं मिलेगा मैं दावे के साथ कहता हूं। तो वर्ब का प्लेलिस्ट पूरी पढ़ जाइए, जब तक क्रिया नहीं क्लियर है यानी वर्ब नहीं क्लियर है तब तक इंग्लिश ग्रामर मुश्किल से आएगा ठीक ना, नहीं समझ में आएगा। तो क्या करें आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि क्रिया का चैप्टर तो सबसे पहले आप क्लियर कर दीजिए, तो क्रिया अगर आपको समझ में आएगी तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी मुझे पढ़ाना है, भी ग्रामर था बहुत है ठीक ना, तो धीरे धीरे सब आगे बढ़ ही रहा ठीक। अब करना क्या है आज के क्लास में, ये जितने भी फ्रेज है देखिए यहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग रहा है, अभी ये फ्रेज है, इन्हें आप वाक्य तो कभी नहीं कहोगे, हाँ इनका प्रयोग आप वाक्य के अंतर्गत करोगे, वाक्य के अंतर्गत करोगे। अब चलिए हम उठाते हैं इनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत करते हैं। अब हमारा वह सेंटेंस यहां पर है, ये देखिए सेंटेंस की जो लेंथ है लंबाई यहां से लेकर यहां ठीक, चूंकि सेंटेंस में दो भाग होते हैं एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट,
यहाँ सुनिश्चित है कि सब्जेक्ट के स्थान पर हमको फ्रेज का प्रयोग करना है, यानी इस प्रेडिकेट पोर्शन में प्रयुक्त क्रिया जो भी क्रिया आएगी उसका सब्जेक्ट कौन होगा, फ्रेज होगा। यहाँ पर आपको नाउन प्रोनाउन इन्फिनिटिव अथवा जिरंड का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। जैसा कि फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट रूल में बताया था और आगे के सारे रूल्स में बताया, उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है। सीधा सीधा इस फ्रेज को उठाना है, यहाँ लिख देना। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहाँ लिखने के बाद क्या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहेगा, तो नहीं लगा रहेगा, क्योंकि इस संदेश के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप, अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा या नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना जी। अब चलिए तो इसको हम उठाते हैं, यहां लिख देते हैं, क्या करते हैं, लिख देते हैं। पहला हमने व्हाट टू डू को मैं यहां लिख दिया, लिख दिया। अब मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर क्या है, ये फ्रेज स्वतंत्र रूप से फ्रेज न होकर के इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो सेंटेंस तो का जो फुल स्टॉप यहां लगेगा, यहां लगेगा, ठीक है ना, अफर्मेटिव बनेगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा, ठीक। तो अब ये मैंने फ्रेज लिख दिया, ठीक है। अब प्रेडिकेट पार्ट को पूर्ण करना है, तो प्रेडिकेट पार्ट का पहला शब्द होता है क्या भैया, इज होता है, आर होता है, ठीक ना। कारण उसका वाज वर भी हो सकता है, तो वर नहीं होगा और ना आर होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रेज है यह सिंगुलर होगा, क्या होगा, सदैव सिंगुलर होगा। कोई भी फ्रेज, ध्यान दीजिएगा, कोई भी फ्रेज क्या होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर। तो जब यह ऑलवेज सिंगुलर हो रहा है तो इसे सब्जेक्ट आप बना रहे हैं, तो इसके लिए जो क्रिया आएगी क्या होगी, सिंगुलर ही आएगी। यहां पर आर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या हो गया, ये जो फ्रेज है आपका सिमुलर है, क्या है, सिमुलर है। चलिए तो इज मैंने लिख दिया। अब सेंटेंस इसी तरह का बनाना है क्या जी, आपको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए तभी संभव है सेंटेंस बनना। तो व्हाट टू डू, क्या करें, क्या करें, ये कौन कह रहा है, वक्ता। तो उसी से संबंधित प्रेडिकेट पार्ट आपको लिखना है, क्या करें यह मुझे मालूम नहीं है, क्या करें यह अनिश्चित है, ठीक ना, यह अनिश्चित है। इज अनसर्टेन हो गया, ओके। अब देखिए जब हिंदी का हिंदी ट्रांसलेशन होगा तो यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान देना है। अब इसका ट्रांसलेशन करिए, क्या करें, मैं लिख दिया क्या करें, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे, क्या करें। यहां पर हिंदी में एक शब्द आएगा यह, क्या आएगा, यह, क्या करें यह अनिश्चित है,
चित्त है। अब पूर्ण विराम देखिए, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से जब करेंगे तभी करेंगे, जैसे इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस अब यहां पूरा हो रहा है, ठीक ना। फ्रेज इस सेंटेंस का, इस पूरे सेंटेंस का एक हिस्सा बन जाएगा, इसीलिए उसे वाक्यांश, एक अंश बन जाएगा, वाक्यांश कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह क्यों लगाया जा रहा है, तो सुनिए, इतना पोर्शन को अगर आप ढक देते हैं, ढक दिया तो क्या बचा, यह अनिश्चित है। हिंदी में पहले आई थी, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंग्लिश में तो कुछ लगा ही नहीं, इतना मैंने ढक दिया तो यह अनिश्चित है। तो यह क्या बना, सब्जेक्ट, अनिश्चित क्या बना, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट बना कि नहीं। लेकिन आप ऐसे बोलते हो कि यह अनिश्चित है, अब सवाल है कि यह क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है तो किसी नाउन के लिए लगेगा, किसी नाउन के बदले में आएगा, ठीक। तो अगर सिंगल वर्ड नाउन के बदले में आता है यह, तो दोनों तो लिखा नहीं जाएगा, द फ्लावर और फिर इट दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना जी। या तो इट लिखो या तो द फ्लावर लिखो, द टेबल लिखो, दोनों में से ये लिखा जाएगा। अब यहां का यह क्या कह रहा है, इसको आपको समझना है, या किसके लिए लगा, तो यह लगा है क्या करें के लिए, यानी क्या करें फ्रेज, ध्यान दीजिएगा। तो यह भी सब्जेक्ट है और यह भी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हो गए, हिंदी में दो सब्जेक्ट हो गए, यह हो गया सब्जेक्ट वन और यह हो गया सब्जेक्ट टू। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में क्या हो गया, व्हाट टू डू, यही सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। यहां पर व्हाट टू डू फिर इट लगा देंगे तो इट इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हिंदी में सुविधा के लिए, वाक्य की सुंदरता के लिए ऐसा किया जाता है, अगर यह को हम ढक भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ढक दिया, क्या बचा, क्या करें, अनिश्चित, नो प्रॉब्लम। लेकिन वाक्य की, हिंदी वाक्य की सुंदरता में थोड़ी कमी आ गई, देखिए हमने यह को ढक दिया, क्या करें, अनिश्चित है, यह भी सही है, सही है। लेकिन अगर आप बोलते हो क्या करें, क्या करें यानी कौन सा कार्य करें, यह अनिश्चित है, तो यह किसके लिए लगा, इसके लिए। इस यस टू का जो प्रयोग हो रहा है इन अपोजिशन टू, देखिए यस टू इज, यहां लिख रहा यस टू इज यूज, ठीक, थोड़ा स्पेस दे दे रहा हूं, यस टू इज यूज इन अपोजिशन टू यस वन, क्या लिखा हिंदी, इंग्लिश में नहीं, यस टू इज यूज इन अपोजिशन टू यस वन, अर्थात सब्जेक्ट टू का प्रयोग यस वन के समानाधिकरण कारक में हुआ है,
इसी को केस इन अपोजिशन कहा जाता है, केस इन अपोजिशन। तो यहां पर केस नहीं लगाया जाएगा, सीधे सीधे यूज इन अपोजिशन हो गया। तो इंग्लिश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, हिंदी में आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। अगर आप लिखते हो तो वाक्य थोड़ा सा सुंदर हो जाता है, बस यही अंतर है। तो इससे आप परेशान मत होना, सारे फ्रेज के लिए यह हरा देना, ठीक। और यह क्या होगा, उसी फ्रेज के बदले में प्रयुक्त प्रोनाउन है, इस फ्रेज के बदले में प्रयुक्त प्रोनाउन है। क्योंकि फ्रेज क्या है, यहां पर न्यूट्रल जेंडर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये देखिए सिंगुलर लिख रहा हूं, तो सिंगुलर नंबर है और न्यूट्रल जेंडर है। तो इंग्लिश में तो इसके लिए इट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हिंदी में या का प्रयोग हो रहा है। या किसके लिए हो रहा है, सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर वाक्यांश के लिए, फ्रेज के लिए। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी पैटर्न पर क्या करना है आपको, अब यह सेंटेंस अफर्मेटिव में बना है, अगर इसको निगेटिव बनाना चाहे, निगेटिव फॉर्म में चेंज करना चाहे, मतलब सेंस निगेटिव नो, निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है, कहने में कोयला काला होता है तो निगेटिव बनेगा, तो क्या हुआ, कोयला सफेद नहीं होता, ये निगेटिव बनेगा। ऐसा नहीं कि कोयला काला होता है तुरंत निगेटिव बना दीजिए कि कोयला काला नहीं होता है, बहुत लोग यही समझते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अरे ट्रांसफॉर्मेशन करिए, ये अफर्मेटिव में है तो ट्रांसफॉर्म इंटू निगेटिव, तो क्या करोगे, व्हाट टू डू इज अब अनसर्टेन, निगेटिव वर्ड है और अनिश्चित है, तो इसको क्या करो, यहां पर नाटक कह दो और इसको क्या कर दो, सर्टन। भाव में कोई अंतर नहीं आया, बोलो अब क्या अर्थ हो गया, क्या करें यह निश्चित नहीं है। यहां पर क्या था जी, क्या करें यह अनिश्चित है, यहां पर क्या हो गया, क्या करें यह निश्चित नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक ना। ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही आप करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट लेता, हाउ टू डू, अगर हम यहां पर लेते हैं हाउ टू डू इट, ठीक। अब यहां पर इज तो आप ऐसे लिख दो, इज लिख दो, वाज लिख दो, जिसमें आप बनाना चाहो, प्रेजेंट टेंस में बनाना चाहो या पास्ट टेंस में बनाना चाहो, ठीक है, क्योंकि सुंदर है आप तो लगेगा नहीं, आई एम का तो कोई सवाल ही नहीं है, अवर का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हाउ टू डू इट, इसे कैसे करें, इसे कैसे करें, वक्ता कह रहा है इसे कैसे करें, क्या कहना चाह रहे, या मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं आता है, लिख दो, इज नॉट नोन टू मी, क्या हो गया भैया, ट्रांसलेशन सुन ले, नोट कर लीजिएगा, इसे कैसे करें यह मुझे मालूम नहीं है, यह मुझे मालूम नहीं है, यह लगाइए तभी वाक्य की सुंदरता आएगी, ठीक है। अब चलिए इसको लीजिए, वेयर टू गो, कहां जाए, वक्ता क्या हुआ, भटक गया, वक्ता
वाला कहां जाए, तो फिर वही लिखेगा इज नॉट नोन टू मी। ठीक है, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वर्ड लेकर के इन्फिनिटिव लगाकर और इन्फिनिटिव के साथ चाहे ऑब्जेक्ट लगाए चाहे ना लगाए उसी तरह का इन्फिनिटिव लेना पड़ेगा, एंटास्टिव वर्ड है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। और यहां पर क्या है जी इंट्रांसिटिव, वो क्या होता है इंट्रांसिटिव वर्ब होता है अकर्मक क्रिया, तो इस पर इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आए आने का कोई सवाल ही नहीं। अर्थ क्या हुआ इसका, कहां जाए यह मुझे मालूम नहीं, यह मुझे मालूम नहीं। ठीक है ना, अब चलिए नहीं, अब यहां पर अगर हम सेम सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड बदल करके चेंज करके वेयर का मतलब कहां और वेयर का मतलब कब, कब जाए, ध्यान दीजिएगा कब जाए इज अनसर्टेन, जाए यह अनिश्चित है। अब चलिए सवाल यह उठता है कि अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब से होता है, यानी इन्फिनिटिव का निर्माण ट्रांसिटिव वर्ब से करते हो तो उसके बाद तो भैया ऑब्जेक्ट लग सकता है नहीं भी लग सकता है, ये तुम्हारे ऊपर है। देखो टू टू नहीं लगाया यहां पर, यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां देखो ये तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन था सिंह जी, यहां पर लगा दिया। अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि इन ऐसे इन्फिनिटिव जिनका निर्माण इंट्रांसिटिव वर्ब से होता है क्या उसके बाद कोई शब्द आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो वह शब्द होगा कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए इसका निर्माण किससे हो रहा है इन्फिनिटिव का, हाँ एक और टर्म लीजिए, अगर इन्फिनिटिव का निर्माण ट्रांसिटिव वर्ब से हो रहा है तो उसे ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव कर सकते हैं, और अगर इंट्रांसिटिव वर्ब से हो रहा है तो उसे इंट्रांसिटिव कह दें इंट्रांसिटिव इन्फिनिटिव। देखिए अगर ट्रांसिटिव से हो रहा है तो क्या कहोगे ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव, और इंट्रांसिटिव से हो रहा है तो इंट्रांसिटिव इन्फिनिटिव। तो ये टू टू क्या है ट्रांसिटिव, आगे ले रहा है तो ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव, रहा था टू को ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है तो इंट्रांसिटिव इन्फिनिटिव। तो इसके बाद अगर किसी शब्द का प्रयोग करते हो तो वह ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि गो क्या होता है ऑलवेज इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट लेने कोई सवाल ही नहीं। ठीक टू टू का है, यही तो सवाल है क्या करें अनिश्चित है, तो जो भी करना चाहता है इसका ऑब्जेक्ट छिपा है, तो यहां टू डू ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए ही तो वाक लगा है, तो यहां का भी टू डू क्या है ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए वर्ड लगा है, यहां हाउ लग गया तो ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हो क्योंकि उसी के लिए तो क्वेश्चन बना हुआ है, ये देखो क्या करें, तो व्हाट का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के लिए ही कर रहे हो, तो इस टू डू के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हो,
तो ऐसा नहीं है कि आप जब नहीं दिख रहा है तो इसे आप इनकास्टिंग इन्फिनिटिव कहोगे, नहीं, यह भी ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव है और यह भी ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव का चैप्टर तो अभी पढ़ाना है, लेकिन यहाँ इतनी बात तो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। अब यहाँ हम चल रहे थे कि इस 2-4 के बाद देखो कोई शब्द लगा सकते हैं, हाँ यस लग सकता, तो वो होगा कंप्लीमेंट ना कि ऑब्जेक्ट। तो लगा देते हैं, अब यहां पर मैंने देयर का प्रयोग किया, भैया किसका प्रयोग किया, देयर का। तो देयर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो वो क्रिया है हमेशा ऑलवेज इंटरेस्टिंग होती है, ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि यह है कभी कंप्लीमेंट, क्या है कंप्लीमेंट, ठीक है ना, जिसे आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। यहां पर तो कुछ लगा ही नहीं, अब और क्या हो गया, वेयर टू गो देयर, जिस तरह से फ्रेज में कर्म से हिंदी स्टार्ट हो रही है, कर्म होने पर यानी ऑब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट से, तो अगर यहां कॉम्प्लीमेंट इस पोर्शन में मैं कॉम्प्लीमेंट को नहीं दिया जानबूझकर, क्योंकि इधर देता जगह नहीं और मुख्य शब्द हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है, कंप्लीमेंट तो रेयर केस में आता है। लेकिन जानना चाहिए आपको, अगर कंप्लीमेंट आएगा तो इसी के स्थान पर आएगा, क्योंकि यहां पर जो इन्फिनिटिव क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट लगाते हो तो इन्फिनिटिव क्या होगी, ट्रस्टी, तो ऑब्जेक्ट लगेगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगता है तो इन्फिनिटिव क्या हो जाएगी, इंट्रस्टी, अगर ना तो आप कुछ नहीं लगेगा, या तो कुछ नहीं लगेगा या लगेगा तो इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर कंप्लीमेंट लगेगा, वही लग रहा है, देखिए। तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ यहीं से शुरू होगा, यानी हिंदी में कर्म के स्थान पर पूरक आ जाएगा यानी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो ट्रांसलेशन शुरू करो यहां से, वहां कब जाए, ट्रांसलेशन कहां शुरू होगा, देखो वहां कब जाए, सेट करो वहां कब, मान यहां पर क्या है, इसको देखो स्ट्रक्चर को मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए, यहां क्या करो वेन, यहां क्या करो टू गो, यहां क्या करो देयर, ओके। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर अदर वर्ड में क्या है, कंप्लीमेंट है, यहां हो गया वेंट टू गो देयर, यहां आ जाएगा, अलग नहीं है क्या चीज, सही ना को कट रहा, अच्छा वो पीछे आ गया ना, इसको सुनना है, तो भैया क्या हुआ, बोलो सेम चीज, ऑब्जेक्ट की जगह कंप्लीमेंट ले लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। तक अर्थ क्या हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो वहां कब जाए, जैसे यहां पर क्या है वेन टू गो देयर, यहां क्या हो जाएगा वहां कब जाए, वहां कब जाए, यह अनिश्चित है, ठीक ना जी। अब भाई चाहे जो बनाओ यार, पास्ट टेंस में बनाओ और चाहे क्या जी प्रेजेंट में बनाओ, ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं।
हाँ चले तो देखें क्या मैं कह देते कुछ और सेंटेंस देते हैं, एक आध दो और ले लीजिए। देखिए वेयर टू स्लीप क्या अर्थ होगा, कहाँ सोए। मैं बारात गया था यार दोस्त के, वहां सब अपना अपना खटिया मजे लेके भाग रहे थे, जानते ही होगा ठहरना था, मैं दूर से गया था ठहरना था, नजदीक वाले तो वापस हो जाते हैं ना आजकल की बारात में, बाइक से जाते हैं अपनी गाड़ी से, लेकिन मैं तो बहुत दूर से गया था, सब अपनी अपनी घड़िया मजिया ले गए थे, पर कह दिए परेशान थे। तो भक्ता क्या कर रहा, कहाँ सोए, वाज नॉट काजी सर्टेन, कहाँ सोए यह निश्चित नहीं था। वाज आया कि नहीं आया, मुख्य टारगेट यही था हमारा। आप सोचो केवल इस पर बना रहे हैं, ठीक है जी का जी, इस पर बना रहे हैं ठीक ना। आप देखो हाउ टू मेक प्लान, अब यहां पर आर्टिकल भी लगेगा, हाउ टू मेक द प्लान, प्लान भैया प्लान बताइए ना, हाउ टू मेक द प्लान, योजना कैसे बनाए। इज अंडर कंसीडरेशन, अंडर कंसीडरेशन, यह विचाराधीन है, योजना कैसे बनाए यह विचाराधीन है, अंडर कंसीडरेशन यानी उस पर विचार चल रहा है। तो इधर का पोर्शन तो आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करेगा, लेकिन आप समझ गए हैं, कहीं भी वाक्य आएगा तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे ठीक ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं कि नहीं समझ में आया सर जी, तो हम आगे समझा देंगे आपको। तो अगली क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय।